वजह से आज हम सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, और कल से मैं पहली बार मिला हूँ सर से, और इतना मोटिवेट हुआ हूँ कल की वजह से और आज जो भी सुना है सर, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम आपसे ये मोटिवेशन लेते रहेंगे। दूसरा मैं शुक्रिया अदा करूँगा मेरे मेंटर दिलजीत सिंह कोहली जी का और हरीश जी का, जिनकी वजह से मैं इस ब्रांच पर से आपके साथ के साथ इस परिवार के साथ एक मेरा एक रिलेशन बना है, और उम्मीद करता हूँ कि रिलेशन आगे तक जाएगा और मैं कुछ अच्छा गिफ्ट करूँगा इस ब्रांच के लिए। मैं थोड़ा सा पहले वैसे सोच रहा था कि मोटिवेशनल कुछ लिखूँ हिंदी में, मैंने आज तक हिंदी नहीं लिखा, मैं पंजाबी में लिखता हूँ, लेकिन जगजीत सर ने कहा था कि आप हिंदी में बोलना क्योंकि बाहर की ब्रांचेस भी आएंगी, तो मैंने कुछ अपनी कविताएँ ट्रांसलेट की थी हिंदी में जो मैं आपके सामने सुनूंगा। उससे पहले एक छोटी सी बात करता हूँ, मेरे महबूब शायर हैं शिव कुमार मुरारी साहब, उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में एक लाइन कही थी कि लाइफ इज ए स्लो सोसाइटी, कि हम सब है जो एक आराम की मौत में रहे लोग हैं, और ये हर एक बौद्धिक इंसान के साथ होगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी ये छोटी सी जिंदगी है हमारी, इसमें हम कुछ ऐसा करें कि जो मरने के बाद हमें लोग अच्छे कामों के लिए याद करें, और वही हमारे लिए एक उपलब्धि हासिल की है हमने कि मरने के बाद हमें लोग अच्छे कर्मों के लिए याद करते हैं। मोटिवेशनल कुछ नहीं लिखा, मैं उदास शायर लिखता हूँ, और मैं उदास दो गजलें आपके सामने पेश करूँगा। मेरी पहली गजल है कि तेरे शहर को जो जाता है मैं वो रास्ता नहीं देखता, तेरे शहर को जो जाता है मैं वो रास्ता नहीं देखता, तेरे संग था अब टूट गया मैं वो वास्ता नहीं देखता। सुबह जो पंछी जाते हैं शाम को वापस आते हैं, सुबह जो पंछी जाते हैं शाम को वापस आते हैं, तू गया पर लौटाना अब मैं पंछी नहीं देखता। दोबारा से शेर पढ़ूंगा कि सुबह जो पंछी जाते हैं शाम को वापस आते हैं, तू गया पर लौटाना अब मैं पंछी नहीं देखता। और तेरी जो ये राशि थी, हम सब राशि पढ़ते हैं, तेरी जो ये राशि थी मेरी वो ही राशि थी, तू आबाद मैं बर्बाद अब मैं राशि नहीं देखता। डॉक्टर सबको कहता था कि चांद सभी का एक ही है, तो अक्सर सबको कहता था कि चांद सभी का एक ही है, मेरा भी बस एक ही था तो अब मैं चांद नहीं देखता। इस शेर में इस गजल की जान है, सबसे पहले ये शेर ही लिखा था, उसके बाद इसे मुकम्मल किया था कि आंखों की गुस्ताखी थी आंखों ने बर्बाद किया, आंखों की गुस्ताखी थी आंखों ने बर्बाद किया, अब आंखों से तो देखता हूँ पर मैं आंखें नहीं देखता। जो अभी मैंने पंजाबी से ट्रांसलेट की है कि कितने कत्लेआम हुए हैं क्या बताएं, कितने कत्लेआम हुए हैं क्या बताएं, क्यों ढलती काली शाम हुए हैं क्या बताएं, अपना सब कुछ तेरे नाम करने का सोचा था खुद ही तेरे नाम हुए हैं क्या बताएं, और कहा था तूने कोई काम हो तो याद करना, हाय हाय कितने काम हुए हैं क्या बताएं, और कहा था तुमने कुछ लिखकर मेरा नाम ना लिखना, हम लिखकर भी गुमनाम हुए हैं क्या बताएं। भगवान को थोड़ा याद ही कर लें सोचा था, पर तेरे दर्शन मेरे धाम हुए हैं क्या बताएं, और आखिरी शेर है कि किसी के दिल में खास रहें तुमने कहाँ छोड़ा, किसी के दिल में खास रहें तुमने कहाँ छोड़ा, हम खुद ही कितने आम हुए हैं क्या बताएं, किस कितने कतले आम हुए हैं क्या बताएं। तो यहाँ मैं सबसे एक बार और बात कर लूँ कि पहली बार मिला